Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ब्रो आई डोंट नो कि तुसी यूके तो सीधा पिंड च किवें शिफ्ट करोगे, पर मैं पता है तुहाडी ड्यूटी है, तुसी ये काम बहुत वधिया करोगे। बस मैं तुहानू यही कहना कि तुसी अपना ध्यान रखियो। अपना ध्यान रखियो। हे मां काली, मेरे पुत्र दे अंग संग रहना, मेरी शान विच मेरी जान वसती है, मेरे पुत्र ते कदी कोई मुसीबत ना आन देना। एक मिनट, तुंगी किसनु बोल रहे हो? तुहानू पता भी है बाबा जी किले पहुंचे हुए ने? मैं ना सारे बच्चों का भला सोच के इन्हें इत्थे सद्या, तू मेरे फैसले ते उंगली कर रही है। तेनू पता नहीं है मैं कौन हाँ, तेरा वह हल करूंगा जो तू कदे सोचा भी नहीं होना। धमकियां देने नाल कोई फायदा नहीं है कृपाल जी, गल समझो। एदा माता आना कोई मां काली दा शराप नहीं है, ऐ ते एक बीमारी है। नाले तुसी ऐ किंदा कह सकदे हो कि मां काली ने छोटे छोटे बच्चों दे नाल नाराज है? मां काली कदे अपने बच्चों दे नाल नाराज नहीं होंदी, बल्कि वो तो अपने बच्चे नू ठीक करदी है। वो तो असी कह देने आ कि माता आई है, फलान नू माता आई है, उन्नू माता आई है, जबकि अज तक किसी नू भी समझ नहीं आया कि उहदा मतलब की होंदा है। राक्षस बच्चों के अंदर जाके उन्हें तेज बुखार नाल बीमार करने की कोशिश कर रहा सी, उदो मां सीतला ने उन्हें बच्चों के अंदर जाके उन्हें शरीर चो बीमारी ते बुखार दोवें ठीक कर दिता। ते उदो तो लोग कहते आ रहे हैं कि उन्हें अंदर माता आ गई, जबकि माता उन्होंने परेशान करने लिए नहीं, उन्होंने ठीक करने आई सी। ते भला इस विच ही है कि असी इन्हें बच्चों को हस्पताल लेके जाइए, ते जेड़ियां भी मौजूदा सुविधावां ने उन्हां दे नाल इलाज कराइए, ना कि ये ढोंग कराइए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र ते ढोंग नाल ए बच्चे ने ठीक नहीं होना। की कह रही है तू दुष्ट कुड़िए? तू मैनू ढोंगी कहा? तंत्र विद्या विच ऐसी कोई शक्ति नहीं जिहड़ा किसी भी मुसीबत का हल ना कर सके। कृपाल जी समझाओ इस कुड़ी नूं इह की कह रही है। कृपाल जी जे मेरी काबिलियत शक सी तो मैनू इधर बुलाया ही क्यों? माफ करना बाबा जी, ये ना समझ है, अजकल की पीढ़ी गल घटते बदतमीजी ज्यादा करती है, इन्हां नूं वड्डे छोटे का भी कोई लिहाज नहीं। तुसीं इहदियां गल्लां दिल ते ना लाओ ते हवन शुरू करो। कृपाल जी मैं कह रही हूँ बच्चे ठीक करना तो इन्होंने ठंडे माहौल में रखो, माँ शक्ति का रूप माँ शीतला भी बच्चों के अंदर जाके उन्होंने ठंडक पहुँचाती है। ऐसे हवन की गर्मी के नाल बच्चों के शरीर की खारिश तो उन्होंने दाने होर वधनगे। तू मेरे काम में दखल अंदाजी ना दे। जे तुसी हवन कराना है तो बच्चों के माँ प्यो नूं बिठा लो, पर निक्के निक्के बच्चों पर जुल्म ना करो। बाबा जी रोक दो ये सब, क्योंकि मां काली दा हवन नहीं है, एक गलत शक्तियां नूं खुश करन दा तरीका है। नाले मैं तुहानूं इन्नी देर दी बेनती करदी पई आ कि यह हवन ना कराओ, पर तुसी नहीं सुनते पे। ते हुण मैं अपने तरीके नाल मां काली दे राह ते तुर के इन्हां दा हवन बंद करावांगी, क्योंकि एक औरत दा सुभाव पानी वांग हुंदा है। तुसी उन्हूं जिस पासे रोड़ना चाहो रोड़ दो, ते जद तुसी उस औरत नूं बेइज्जत करोगे तां ओह औरत मां काली दा रूप लेके अपने तरीके नाल सब कुछ करेगी। सो हुण मैं ए हवन नहीं होण देवांगी, क्योंकि ये बच्चन दी सेहत नाल खेलण वाली गल है। तुसी तां पिंड विच शान बनाउण लई इस ढोंगी बाबे नूं पिंड विच लिया के बच्चों नूं उन्हां दे हवाले कर दिता, पर तुसी एक बार भी सोचिया कि इस नाल इन्हां बच्चों की जान भी जा सकती है? सो हुण बच्चों की जान बचाना मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा तू रोकेंगी मैनू,
तू अपनी उम्र देख कुड़ी चिड़ी होने करके तेरा लिहाज कर रहा नहीं तो मार के चपेट तेरी औकात ठिकाने ला देनी सी मैं चल हट हवन तो होके ही रहूगा बाबा जी शुरू करो तेरे पिंड आ गया बट आई रियली डोंट वांट कि तू कदे मेरे सामने भी आए क्योंकि मैं तेरे ते तेरे सुपरस्टिशन तो जिन्ना दूर रहा उन्ना चंगा है मैं घर वाला चैप्टर इतने कंटिन्यू नहीं करना चाहता ए तू की किता कुड़िए साडे बच्चों का की होएगा हुण तो मां काली दा शराब किदा हटेगा असि भी अपने बच्चे नु ठीक कराने लई लेके आए सी पर तू मां काली दे हवन च पानी पाके सब खराब कर दिता हुण मां काली किदा खुश होएगी मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करांगा तेन ता मैं शराब दूंगा नट जाएंगी तू मेरा तो हानू या किसी नु नाराज करन दा कोई इरादा नहीं सी मैनू तो बस बच्चे दी फिकर है मैं हवन दे खिलाफ नहीं हां पर तुसी इन बच्चे नु हस्पताल लेके इन दा इलाज कराओ फिर पंडित तो बकायदा मां काली दा हवन कराओ क्योंकि आ जेड़ा बाबा कर रहे ने सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास ते टोंग है अच्छा आप तो जड़ी बूटियां काली माता दा नाल लेके इन दा इलाज करनु फिरदी है जैसे ही कुछ करके तां टोंग हो गया मैं जेड़ा इलाज करदी पियां ओ हिंदू धर्म विच वेद चारक संहिता विच दर्ज आयुर्वेद ज्ञान दे तौर ते करदी पियां अच्छा फिर तू ही कर ले इन दा इलाज आयुर्वेद तौर दे नाल कुछ हद तक ये पॉसिबल है इसलिए मैं कहनी पियां कि इन्हां नूं हस्पताल लेके चलो टाइम बर्बाद करन नाल सिर्फ नुकसान होना है कोई फायदा नहीं ते तुसी ए ना भुल्लो कि लक्ष्मण जी जदों बेहोश होए सी उन्हां नूं भी संजीवनी बूटी दी ही लोड़ पई सी बच्चे तो फिर भी इंसान ने पिंड विच पहला ही डॉक्टर नहीं हैगे जेडे इक्का दुक्का हैगे ओह डरदे मारे इन्हां दे कॉल नहीं आ रहे कित्थों लैगे डॉक्टर इस करके हर कोई गरीब अपने बच्चों नूं चौके शहर नहीं लिजा सकदा इस करके ज्यादा हुशियार ना बन जो चल रहा है चलन दे पंडित जी तुसीं शुरू करो बैठो बच्चे हो बच्चे थले थले ऐदा ना करो मां काली ते भरोसा रखो मैनूं मेरी मां काली ते भरोसा है ओह किसे ना किसे तरीके साडी मदद जरूर करेगी तुसीं मेरी गल सुनो मैनूं इक वारी गल समझ नहीं आउंदी मैनूं लगदा सारे बच्चों नूं मरवा के खुश है इस करके बच्चों नूं बिना डॉक्टर दे हस्पताल जाण दी जिद कर रही है जां तां तूं कुछ कर लै जां जो हो रहा चुपचाप हो लैंदे ठीक है मैनूं अपना आयुर्वेद दा इलाज शुरू करन दो उदों तक हो सकदा मां काली कोई मदद भेज दे इन्ना भरोसा है तैनूं अपने आप ते अपने आप ते नहीं मां काली ते Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री